कई बार आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा एक डिब्बा रखा हुआ है या कोई कलात्मक सा चीज़ रखी हुई है, उसमें ऊपर एक मटका सा रखा है, उसमें कुछ रखा हुआ, धुआं निकल रहा है, एक लंबी सी डंडी है, उसको लोग उसे पी रहे हैं और अपनी बातें चीते कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा, इसको हुक्का बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, शीशा भी बोलते हैं इसको। तो आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, शीशा के बारे में। भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य पूर्व एशिया के देशों में ये बहुत फेमस था, बहुत प्रचलित हुआ करता था एक समय में। भारत में भी बहुत फेमस था एक समय में, राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे, आपने देखा होगा, बड़े बड़े सुंदर से कलात्मक हुक्के रखकर बगल में रखे होते थे और गुड़गुड़ा रहे थे, बड़ी लंबी सी एक वो पाइप सा हुआ करता था, तो उसे पी के मतलब अपने राजकाज निपटाया करते थे। ये उस वक्त का एक सामंती प्रतीक था, एक राजे रजवाड़ों की चीज़ें हुआ करती थी। और पुराने आपने फोटो देखे होंगे, उसमें ज़्यादातर राजे रजवाड़ों के पास में, सामंतों, जागीरदारों के पास में, जो बड़े लोग हुआ करते, उनके बाजू में हुक्का रखा हुआ हो, देखा होगा आपने। तो दोस्तों, बहुत फेमस हुआ करता था हुक्का, लेकिन समय के साथ साथ इसका चलन कम हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है रही लोगों की, मतलब एक तो लोगों के पास इतना समय नहीं रहा कि हुक्का गुड़गुड़ाए बैठकर, दूसरा उसमें जो चीज़ें मिलती थी, तम्बाकू उसका होता था, जो मटेरियल होता था, अधिकांश दुकानदारों ने थोड़ा अधकचरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको तैयार कर लिया, सड़ी हुई चीज़ें, उसको तीखापन लाने के लिए मिर्च के डंठल और ना जाने क्या क्या मिला देते थे। कई दुकानदार तो ऐसे हमने काट की बोरियाँ, पत्तियाँ, मिर्च के तने, मिर्च के डंठल, ये सब मिलाकर उसको मार्केट में दे दिया करते थे। अब ये इतना सस्ता बिकने तो बिका, और मतलब एक मज़ा जो होता है ना, अब चूंकि मैं तो कोई कोई ऐसा सेवन नहीं करता हूँ, लेकिन जो पीने वाला होता है उसको एक अलग मतलब टेस्ट चाहिए होता है, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे कोई और हो, उसको एक टेस्ट चाहिए होता है अपना। तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा धीमे धीमे, और इधर से आपका गुटखा, बीड़ी ये सब आ गया, तो लोगों ने दूसरे व्यसन अपनाने लगे, तो मतलब धीमे धीमे छूट गया। अब नए नए हुक्का बार बन रहे हैं आजकल, नए कॉलेज के लड़के लड़कियां जाते हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं जो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक उभरता हुआ बिजनेस है, आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं इसमें, और ये किया जा सकता है। इसको आप बहुत छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत किसी मशीनरी की या किसी और चीज़ की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता है एक चीज़ की, वो चीज़ है ज्ञान, इसको बनाने का सही तरीका। हुक्का का जो तम्बाकू होता है वो अलग किस्म का होता है, और इसको अलग किस्म से, बहुत तरीके से, नफासत से, नजाकत से, नफासत से बनाया जाता है, और इसको बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प के लिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको इसके पूरे फॉर्मूलेशंस दूंगा, कैसे बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, कैसे इसमें और किए कुछ किया जा सकता है, और बाकी धीरे धीरे अपनी कल्पना शक्ति है उसके हिसाब से मतलब इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये एक मतलब ऐसा काम है कि इसमें पर्सन टू पर्सन कुछ चॉइस होती है, कुछ मतलब उनकी सोच होती है कि हमको ये चाहिए, किसी को तेज चाहिए, किसी को हल्का चाहिए। जनरली क्या होता है, तम्बाकू में जो इसका शीशे का या हुक्के का जो तम्बाकू होता है, इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें धुआं होना चाहिए, और ये गले में जलन नहीं होनी चाहिए, इसकी गले में जलन नहीं होनी चाहिए, धुआं होना चाहिए। इसके अलावा स्वाद थोड़ा सा मतलब मन माफिक स्वाद होना चाहिए, अगर कसैला पसंद है तो कसैला, हल्का पसंद है तो हल्का, ज़्यादा भारी हो तो भारी,
तो उसके अलावा इसकी अंदर जो सुगंध होती है या जो तरह तरह की फ्रेग्रेंस होती है, आजकल कई तरह की फ्रेग्रेंस का देते हैं कि इस ये फ्रेग्रेंस है इसका, ये फ्रेग्रेंस है, मतलब हर चीज़ में स्वाद हो गया, लोगों की एक वैरायटी लोगों को पसंद आने लगी है। तो ऐसे ही इसमें भी वैरायटी है, वो सब चीज़ें हैं, गला ना पकड़े। अब ये क्या था जो लोगों ने, जिसकी वजह से ये बंद हुआ है, वो नकली चीज़ डालते थे, ख़राब चीज़ डालते थे उसमें, उसकी वजह से ये गला पकड़ लेता था, जलन होने लगती थी और बहुत सारी दिक्कत होती थी। धीमे धीमे हुक्के का स्वाद छूट गया लोगों से। आज भी राजस्थान वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी बनाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक्चुअल जो तम्बाकू होता है उसका क्या होता है तरीका बनाने का, ये हर किसी को नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, इसकी जो नोहाव रिपोर्ट दूंगा उसमें सब कुछ लिखा होगा कैसे बनाया जा सकता है। अब इसमें एक बात और बताऊँ, तम्बाकू की नस्ल कौन सी होती है हुक्के के लिए? वैसे तो सभी नस्लों का तम्बाकू चल जाता है, लेकिन कुछ खास किस्में होती हैं जिनका तम्बाकू अगर यूज किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, हुक्के के लिए। और दूसरा, इसमें लागत नहीं है, और ये हुक्के का जो तम्बाकू होता है हुक्का बार में या वैसे, ये जैसे गुटखा बिकता है ऐसे पाउच में नहीं बिकता, ये 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के पाउच में बिकते हैं, और पैकेट में बिकते हैं या डिब्बी में बिकते हैं या किसी जार में बिकते हैं। तो इसलिए आपको किसी कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं, मार्केट से एक तरह के छपे हुए डिब्बे ले आएँ और उसमें एक पर्चा छपा के रख लें कि किसको ऐसे ऐसे यूज करना है, ये डालना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो सब लिखी है। उसके अलावा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं, अपना लेबल लगा दीजिए, और जो हुक्का बार हैं या हुक्का लवर्स हैं जो या पीते हैं, उस मार्केट तक डायरेक्ट अप्रोच करिए आप। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपको ग्राहक डायरेक्ट आपको पकड़ेगा। तो इसमें मतलब मुनाफा अगर देखा जाए, मुनाफा कितना होता है, मुनाफा अगर बहुत छोटे स्तर से आप करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो सब कुछ निकाल लें कुछ भी, आराम से आप 2 से 3 गुना कमा सकते हैं, 2 गुना तो कहीं नहीं गया। आजकल जो हुक्का बार है ना, हुक्का बार में कुछ 1,000 रुपये का इतने मिनट के लिए ऐसा कुछ सिस्टम होता है, मैं तो खैर जाता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें बहुत आसान, मैंने जो सारे बिजनेस जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, सारे बिजनेस सारे वीडियोस को वीडियोस में सारे बिजनेस को मैंने बहुत ही सिंपलीफाइड कर दिया है, बहुत ही छोटे स्तर पे कर दिया है। जो बिजनेस जहाँ लाखों में शुरू हुआ करते थे, वहाँ कुछ हज़ारों में या 1-1.5 लाख में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक शायद आपको कोई बताने वाला नहीं था, मैं हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर आऊँगा, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।